प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति दे रखी है क्वेश्चन नंबर एक में, इस आकृति का मान ज्ञात करना है। कोण ए बी और सी, इनका मैंने नाम लिखा है, भी ये ए है, ये बी है और ये सी है, समझने के लिए लिखा है, ठीक है। तो कोण ए दे रखा है, जो बाह्य कोण है कितना डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री। ये बी बाह्य कोण है, ये 125 डिग्री है, और एक्स है जो बाह्य कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सी आकृति है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या है, त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के या कोई भी आकृति हो या बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। उससे हम किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने लिखा, चूंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 360 डिग्री। बाह्य कोणों की बात करूँ, अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ए का मान मैंने अभी बताया था 125 डिग्री, बी का मान हमें 125 डिग्री दे रखा है, और सी का मान कितना है, x डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 125 प्लस 125 250 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अब ये 250 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 250 बराबर कितना, 110 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब देखो, इसी प्रकार आकृति हमारे पास में ये दो नंबर आकृति दे रखी है, इसमें पूछा है कि ये सभी इसके बाह्यभुज है। देखो कि कौन सी आकृति है, 1 2 3 4 5 पांच भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है। तो पंचभुज के भी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें सभी का क्या ज्ञात करना है, बाह्य कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्रम से चलेंगे, जैसे कोण ए है, कोण ए बाह्य कोण कितना, 60 डिग्री। अब ये इस प्रकार का चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब कि ये जो चिन्ह होता है, यहाँ कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण माना जाता है इस चिन्ह पर। तो इस प्रकार का ये चिन्ह है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो बी का मान कितना, 90 डिग्री। सी का मान हमारे पास में 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ मैंने नाम लिख दिया डी। डी का मान एक्स डिग्री हमें ज्ञात करना है, और ई ई बाह्य कोण का मान नहीं दे रखा। अब देखो, अंतः कोण का मान कितना दे रखा है, इसके अंतः कोण का मान 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि इस प्रकार का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये एक तिरेक रेखा इनको काट रही है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो सभी का मान आ गया, जैसे कोण ए का मान 60 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री, कोण सी का मान 70 डिग्री, कोण डी का मान एक्स डिग्री, और कोण ई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इससे हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा, चूंकि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर प्लस कोण ई बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री, सी का मान 70 डिग्री, डी का मान एक्स डिग्री, ए का मान 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 90, 60, 90, 70 और 90, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 310 डिग्री, प्लस में क्या बचा, एक्स बराबर 360 डिग्री। अब 310 डिग्री है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। तो 360 में से 310 गया, तो हमारे पास में कितना बचा, 50। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। अब देखो क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि एक समबहुभुज, समबहुभुज मतलब कि समबहुभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछा है, ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, 9 और दूसरी भुजा क्या है, 15, प्रत्येक का पूछा है, ठीक है। तो मतलब भुजा 9 का मतलब क्या, एन का मान कितना है, 9 है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एन बराबर 9, क्योंकि भुजा दे रखी है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान और भुजा दे रखी है, तो एन का मान मैंने यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है। अब सूत्र लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, सूत्र 360 डिग्री बटा में एन। तो एन का मान मैंने यहाँ कितना रखा, 9 रख दिया। तो 360 डिग्री में 9 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा, 40।
तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में एन का मान हमारे पास में 15 दे रखा है, तो यही सूत्र लगाएंगे, 360 डिग्री बटा में एन, और एन की जगह मैंने क्या लिख दिया 15, तो 360 में 15 का भाग देंगे तो 24 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। इसने कहा उसके एक बाह्य कोण का माप या प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले हमें भुजा दे रखी थी, हमें बाह्य कोण पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें कोण दे रखा और भुजा पूछी है, तो एन का मान पूछा है। हमने लिखा बाह्य कोण का माप बराबर 24 डिग्री दे रखा है, तो वही सूत्र प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बटा में एन, यही सूत्र लगाएंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप। अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 24 है, तो 24 लिख दिया बराबर 360 डिग्री बटा में एन। अब क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, 24 एन हो जाएगा, तो एन तो यहाँ रह जाएगा, 24 इधर क्या है भाग में चला जाएगा। अब 360 डिग्री में 24 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 15, तो उसकी भुजाएँ कितनी होगी, 15 भुजा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। पहले बाह्य कोण दे रखा था, अब की बार प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है सम बहुभुज की जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो अंतःकोण की बात कर रही है, हमने लिखा प्रत्येक अंतःकोण का माप का सूत्र क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी दे रखी है, 165 डिग्री बराबर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। अब इस n का 165 से गुणा किया तो 165 n आ गया, अब इस 180 का n से गुणा किया 180 n, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 का 180 से गुणा किया तो 360 डिग्री। अब जो एन एन वाली साइड है उनको एक तरफ करते हैं। अब देखो ये 360 डिग्री किसका है, माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 360 डिग्री इधर आया प्लस का हो गया, और ये 165 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी एन, एन वालों को एक साइड इकट्ठा किया है, तो 180 में से 165 को घटाया कितना बचा, 15 एन बचा, 180 में से 165 गया 15 एन बचा। अब एन का मान ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री में इस 15 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 360 डिग्री बटा में 15 बराबर एन, तो 15 का 360 डिग्री में भाग दिया कितना आया, 24, तो एन का मान हमारे पास में 24 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो, 22 डिग्री हो। तो हम देखते हैं, इसने बोला है प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो हमने सूत्र लगाया प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना, 360 डिग्री बटा में एन। ठीक है, तो 360 डिग्री बटे में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, 22 डिग्री, तो 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा में एन, एन किससे गुणा हो जाएगी और ये 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री बटा में 22 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 16.3। अब देखो ये संख्या किस में आ रही है, पॉइंटों में आ रही है, तो पॉइंटों में आ रही है, तो पॉइंटों में इसकी सम बहुभुज की भुजाएँ नहीं होती, तो अतः हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी सम बहुभुज संभव नहीं है। अगर ये पॉइंट में नहीं आती तो संभव होता, परंतु ये पॉइंट में आ गई, 16.3 आ रही है, 360 डिग्री में 22 का भाग देने पर, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी, यह पार्ट नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है, क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। इसने कहा है कि कोई भी सम बहुभुज है इसका यह अंतःकोण हो सकता है क्या, 22 डिग्री। देखो मान लो कोई भी सम बहुभुज है, इस प्रकार मानो चाहे पंचभुज है, चाहे किस प्रकार की आकृति है, सम बहुभुज है, उसने कहा है कि इसका जो ये अंतःकोण है ये 22 डिग्री हो सकता है क्या। अब ध्यानपूर्वक समझना कि ये 22 डिग्री उसका अंतःकोण बोला है, तो ये लाइन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये अगर अंतःकोण 22 डिग्री है तो ये कितना होगा बाह्य कोण,
इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 22 डिग्री घटा दिया तो मैंने यहाँ कितना बचा, 158 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 158 डिग्री आ गया। दोबारा समझना, मैंने ये कोई आकृति बना दी बहुभुज, उसने कहा है कि क्या किसी बहुभुज का 22 डिग्री अंतः कोण हो सकता है क्या, तो हमने इसका अंतः कोण हमने 22 डिग्री लिख दिया। अगर अंतः कोण 22 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा, 158 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में 22 घटाएंगे तो 158 डिग्री बचा, तो बाह्य कोण कितना आ गया हमारे पास में, 158 डिग्री, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है क्वेश्चन में, 158 डिग्री को यहाँ लिखना है, 122 की जगह यही सूत्र लगेगा बाह्य कोण वाला। तो 158 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा में n, तो n बराबर 360 डिग्री बटा में 158 डिग्री। अब 158 डिग्री में 360 में 158 डिग्री का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जो कि पॉइंट में आता है। तो हम लिखेंगे नहीं, 22 डिग्री किसी भी समबहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यदि 22 डिग्री अंतः कोण है तो बाह्य कोण 158 डिग्री होगा, जो 360 डिग्री को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा। ये आपका कारण भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 158 डिग्री है इसका 360 डिग्री में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसका अंतः कोण भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों, इसने पूछा है। दोबारा देखना क्वेश्चन क्या था, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। इसने कहा है कोई भी सम बहुभुज है उसमें कितने डिग्री का कोण संभव है कम से कम, और होता है तो क्यों होता है। जैसे मैंने कम से कम सम बहुभुज बनाते हैं तो हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, देखो त्रिभुज मैंने ये बना दिया। तो त्रिभुज क्या होता है, सम बहुभुज की क्या खासियत होती है, सम बहुभुज का प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होती हैं, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण बराबर होंगे, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि ऐसा तो समबाहु त्रिभुज में होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण समान। तो इसका अंतः कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री से कम का अंतः कोण संभव नहीं है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री होता है। तो इसका प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या कहता है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। पहले तो इसने पूछा था कि कितने अंश का, मतलब कि अंतः कोण, तो अंतः कोण 60 डिग्री का, और किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब हमें बाह्य कोण बताना है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना कि कम से कम कितने डिग्री या कितने अंश का अंतः कोण है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो इसका अगर हम बाह्य कोण निकालेंगे तो बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य कोण देखो, मैंने ये त्रिभुज मान लो, चाहिए लाइन मान लो, चाहिए मान लो, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हम कम से कम क्या लिखेंगे, क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे चूँकि कम से कम अंतः कोण 60 डिग्री का होता है तो अतः बाह्य कोण अधिक से अधिक मान 120 डिग्री का हो सकता है। इसका कारण है बाह्य कोण 120 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि अगर अंतः कोण 60 डिग्री का तो उसका बाह्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 का है तो ये बाह्य कोण कितना होगा, 120 का, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का संभव है, अधिक से अधिक, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।